प्यारे बच्चों, चतुर्थांश वाली कंडीशंस में त्रिकोणमितीय मानों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आज ये सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन किस चतुर्थांश में दिया गया है, एक प्रश्न ऐसा आता है, और अन्य त्रिकोणमितीय मानों को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और जिसकी मैंने आपको गजब नॉलेज बताई है। तो इस प्रकार के सवालों को सीखेंगे और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। एक देखिए, इसके लिए एक हमने सवाल लिया है कि यदि कॉस एक्स बराबर -3/5 दूसरे चतुर्थांश में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमसे प्रश्न कर दिया है, तब अन्य पांच त्रिकोणमितीय मान क्या रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को उतार लेते हैं। प्रश्न आपका है कॉस एक्स बराबर -3/5, और ये जो कहा है इसने सेकंड चतुर्थांश बोला है, दूसरे चतुर्थांश में बोला है। तो देखिए, यहाँ आपको नोट में ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूँ जिसके बारे में आपको नॉलेज रखनी है। तो देखिए, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश की, तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं जो पॉजिटिव रहने हैं, और दो नाम में क्या है, एक आपका साइन थीटा है और उसी का अपोजिट कोसेक थीटा। ये दो वैल्यू जो है प्लस की रहेंगी, बाकी जो फोर हैं, चाहे आपका कॉस है, सेक है, टेन कॉट, वो नेगेटिव रहने वाले हैं। थर्ड कैटेगरी पर अगर हम आते हैं, तो थर्ड में आपको याद रखना है, यहाँ आपके पॉजिटिव रहेंगे टेन और कॉट। और लास्ट कैटेगरी की अगर बात करते हैं, फोर्थ चतुर्थांश की, तो इसमें आपके पॉजिटिव रहेंगे कॉस थीटा और उसी का अपोजिट सेक थीटा। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं इस प्रकार के सवालों के लिए। अब हम अपने सवाल पर वापस लौट के आते हैं। तो देखिए, सवाल क्या था आपका, कॉस एक्स बराबर -3/5। अब देखिए, कॉस एक्स का मान -3/5 है, तो हम साइन एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए, जब कॉस दिया हो और साइन निकलवाना चाहता हो, या साइन दिया हो और कॉस निकलवाना है, तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब इसमें मान जो दिया है उसको हम रख देते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू है -3/5 इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। आगे इसको देख लेंगे, इसमें आगे हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसका मान जो हो जाएगा 9/25 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसका ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1-9/25। यहाँ डेनोमीटर 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25-9/25, और इसको जब लेस करते हैं तो ये 16/25। ये वाली जो वैल्यू है हमारी साइन स्क्वायर एक्स की चलती है। जैसे ही हम इस पे से स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16/25, और रिजल्ट आपका हो जाएगा 4/5। चलिए, अब आप जो है साइन की वैल्यू आपके पास में है, कॉस की वैल्यू आपके पास में है, अब हम टेन का मान निकाल लेते हैं। तो टेन एक्स इजल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 4/5, और कॉस एक्स की वैल्यू हमें दी थी -3/5, 5 से 5 कट कर देंगे तो माइनस के 4/3 रह जाता है। उसके बाद करते हैं कॉट एक्स की, कॉट एक्स जो होता है प्यारे बच्चों, ये टेन का अपोजिट होता है, इस मान को हम उल्टा कर देंगे तो -3/4 हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू रह जाती हैं, एक सेक वाला पोर्शन रह जाता है और एक रह जाता है कॉसेक वाला। तो देखिए, सेक की बात करते हैं, सेक एक्स,
तो ये जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, क्योंकि कॉस हमें माइनस थ्री अपॉन फाइव दिया है, तो सेक आपका होगा माइनस फाइव अपॉन थ्री। और बात कर लेते हैं कॉस एक एक्स की, तो ये हमारा साइन का अपोजिट होता है। तो साइन की जो वैल्यू निकल के आई है फोर अपॉन फाइव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव अपॉन फोर। तो ये हमने सारे मान पांचों जो थे वो निकाल लिए हैं, अब इनकी वास्तव में सही मान क्या होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ आपको लिखना है अन्य पांच त्रिकोणमितीय मान, तो देखिए आप लिख लेंगे कॉस एक्स इसने दिया था तो हम पांच मानों को लिख लेंगे, तो आप साइन एक्स लिख लेंगे, उसके बाद में इसी का अपोजिट लिख लेंगे कॉस एक्स लिख लेंगे, उसके बाद आप टेन एक्स लिख लेंगे, उसके बाद आप कॉट एक्स लिख लेंगे, बाद में आपका सेक एक्स आप लिख लेंगे, पांच मान आप लिख लेंगे। तो मैंने बताया था इसने प्रश्न बोला है द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश में जो हमारा पॉजिटिव है मैंने लिखवाया था साइन वाला पार्ट है और ये कोसेक वाला। तो साइन और कोसेक देखिए आपके स्टार्टिंग में है, तो दोनों पे प्लस लगा देंगे, बाकी पे माइनस लगा देंगे। अब इनके मानों को रख देंगे जो आपने निकाले हैं। तो देखिए साइन एक्स का मान है फोर अपॉन फाइव, उसकी बात कर लेते हैं कॉस एक्स, इसका अपोजिट हो जाएगा फाइव अपॉन फोर। टेन की बात करते हैं तो ये फोर अपॉन थ्री था, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है तो ये फोर अपॉन थ्री है। कॉट जो था इसका अपोजिट था तो ये थ्री अपॉन फोर हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेक की, तो ये फाइव अपॉन थ्री था। तो देखिए इस प्रकार आपने देखा कि बड़े ही मज़े के रूप में आपने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर लिया।